Let us discuss about electronic configuration. What is electronic configuration? It is the arrangement of electrons in different cells of the atom of an element. According to Bohr-Bari rule, a cell can have maximum number of electrons given by rule 2n square, where n is the cell number. For example, for the first cell, n is equal to 1, it is also called K cell. The maximum number of electrons, according to Bohr-Bari rule, it will be 2 × 1 square, that will be 2. In second cell, cell number 2, it is also called L cell, the number of electron will be 2 × 2 square. Cell number is 2, therefore it will be 2 square, and here it will be 2 × 4, that will give you 8. Means in second cell the number of electrons will be 8. Similarly, in third cell, it is also called M cell. It will be 2 × 3 square. 3 square is equal to 9. 9 × 2 is equal to 18. So maximum electrons that will be occupied in M cell will be 18. For fourth number cell, it is also called N cell. It will be 2 × 4 square. And 4 square is equal to 16, 16 × 2 is equal to 32. So maximum number of electrons in N cell will be 32. Now come to the rule number 2. This was the rule number 1 of Bohr-Bari rule, and this is the second rule. According to this rule, the outermost cell cannot have the number of electrons more than 8. Means the maximum number of electrons occupied in the outermost cell, which is also called valence cell, is 8. Yani maximum jo hai 8 electrons outermost cell mein ho sakte hain. Ye K cell ke liye applicable nahi hai. Jahir si baat hai, K cell ke liye to ye रूल नंबर फर्स्ट से हमको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल विल बी 2. लेकिन बाकी सभी सेल्स के लिए आप ये समझें, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. भले इससे जो है, इस रूल से वो अलाउ कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की, लेकिन वो आउटर मोस्ट सेल है. अगर वो सबसे बाहरी सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स जो है डिस्कस करेंगे. इसमें हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहे हैं. उसका एटॉमिक नंबर हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. यानी जो एटॉमिक नंबर होगा, जो जेड होगा, जेड से इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब इसमें हम देखते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल. इसमें हम अरेंजमेंट देखेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, और यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल्स में जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक बार और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हाइड्रोजन के लिए हम ले रहे हैं, एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1. तो 1 है, इट मींस दैट इन के सेल, के सेल की लिमिट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की. इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है तो के सेल में चला जाएगा. हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है
वो टू होता है, और जब एटॉमिक नंबर टू है तो दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, दो का दो इलेक्ट्रॉन जो है के सेल में आ गया। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री है, अब इसकी कैपेसिटी टू से ज़्यादा है नहीं, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे और जो एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एल सेल में आ जाएगा। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर फोर है, टू इलेक्ट्रॉन के सेल में और टू रेस्ट बचे इसमें, इसकी लिमिट है एट, और हमको पता है कि आउटर मोस्ट में एट से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टू इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें प्लेस कर लिया है। अब बोरान को हम देखते हैं, बोरान एटॉमिक नंबर फाइव, टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमने प्लेस कर लिया, थ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट हुए, तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हमें तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक एट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। कार्बन सिक्स है, टू फोर, नाइट्रोजन सेवन है, टू फाइव, ऑक्सीजन एट है, टू सिक्स, फ्लोरीन नाइन है, टू सेवन, नियान, नियान का एटॉमिक नंबर टेन होता है, टू और यहाँ एट, एट फर्स्ट रूल से भी हमको पता है और सेकेंड रूल भी कहता है कि मैक्सिमम एट नंबर, एट इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हमने एट इलेक्ट्रॉन्स इसमें। अब सोडियम का देखते हैं, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो रेस्ट 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं रूल नंबर 1 से, और रूल नंबर 2 भी कह रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो M में चला जाएगा। मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2, एल्युमिनियम 13 है, 2 8 3, सिलिकॉन 14 है, 2 8 4, इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं। फास्फोरस 15 है, 2 8 5, सल्फर 16 है, 2 8 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। थैंक्स।